गुड मॉर्निंग बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल शेल्स। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल शेल्स, फिर से जैसे हम रेजिस्टेंस कैपेसिटर किए थे वैसे ग्रुपिंग किसकी है, शेल्स की। फर्स्ट है हमारा सेल्स इन सीरीज। बेटा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के लिए हमने, रेजिस्टेंस की कोई इलेक्ट्रोड नहीं होते, कोई भी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो नेगेटिव नहीं कंसिडर करते हैं हम। अगर एक एंड दूसरे के इनिशियल पॉइंट को कनेक्ट करता है तो सीरीज होता है, और अगर दोनों का इनिशियल सेम फाइनल सेम तो हमारा क्या होता है, पैरल होता है। लेकिन शेल्स में एक इलेक्ट्रोड कैसा पॉजिटिव दूसरा कैसा है नेगेटिव, दो अरेंजमेंट लेंगे हम। पहले फर्स्ट करते हैं, ये कहता है टू शेल्स आर कनेक्टेड टू बी इन सीरीज। दो शेल किसमें कनेक्ट होंगे, सीरीज में होंगे, अगर हमारा एक का पॉजिटिव, अगर हमारा एक शेल का पॉजिटिव एक शेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाए और दूसरे का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाए, तो ये अरेंजमेंट हमारा किसके लिए होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होगा। ये अरेंजमेंट हमारा किसके लिए होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होगा। क्या कहें हम, अगर हमारे पास ये अरेंजमेंट है तो हमारे शेल्स किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। हमें इन सीरीज कॉम्बिनेशन का ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना है, दैट इज आर इक्विवेलेंट। सोल्व करते हैं बेटा, लेट दिस इज फर्स्ट शेल, ईएमएफ कितना है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। दिस इज सेकेंड शेल जिसका ईएमएफ कितना है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2। अब दोनों किसमें हैं, सीरीज में, तो सेम करंट क्या करेगा हमारा, फ्लो करेगा। ये करंट, यहाँ पे भी करंट आई और यहाँ पे भी करंट कितना आई। हमने इस इलेक्ट्रोड को नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया हमने C। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ इवन शेल। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी एंड सी क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E2 शेल। पर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन पता है, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। करंट दोनों में कितना फ्लो कर रहा है, आई। तो एक तरह से हम दोनों शेल्स के लिए क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो क्या कहें हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट शेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट शेल कितना होगा, वी ऑफ ए बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ए पॉजिटिव पे, बी किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, कह सकते हैं हम इसको वी ए माइनस वी बी। और क्या इक्वेशन होती है, एज वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। सो वी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू E1 माइनस I इंटू में R1। I करंट क्या है, सेम फर्स्ट शेल का EMF E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, V ऑफ AB इज इक्वल्स टू E1 माइनस I इंटू R1, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, E1 EMF ऑफ फर्स्ट शेल। क्लियर बेटा। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेकेंड शेल वी ऑफ बी सी किसके बीच में होगा, वो वी ऑफ बी सी। अब वी ऑफ बी सी क्या है, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ सी। वी ऑफ ए बी क्या था, वी ए माइनस वी बी। ये कितना आया, वी बी माइनस वी सी। कितना होगा बेटा हमारा, E2 माइनस आई इंटू R2। तो एक तरह से अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दूं, फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करते हैं हम, तो वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, वी बी से वी बी क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। क्या आया हमारा, वी ए माइनस वी सी इज इक्वल्स टू, ऐड कर रहे हैं हम सिंपली, E1 प्लस E2 माइनस
आई आर वन माइनस आई इंटू आर टू एड फर्स्ट एंड सेकेंड। वी ऑफ ए सी को कह सकते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, कह सकते हैं वी ऑफ ए सी को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी कि टोटल टर्मिनल डिफरेंस ऑफ टू शेल्स इन सीरीज। क्या लिख सकते हैं वी ऑफ ए सी को, वी ए माइनस वी सी क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी आर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड, एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ टू शेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या कहूँ मैं, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू शेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू माइनस आई बार कॉमन आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू। एज वी नो, हमें पता है कि इक्वेशन क्या होती है, वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू में आर। तो ये क्या आया हमारे पास, इक्वेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आया हमारे पास, इक्वेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आया, ई इक्विवेलेंट इंटू में आर इक्विवेलेंट, वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो मैं क्या कहूँ कि ई इक्विवेलेंट, क्या कह सकते बेटा हम, E इक्विवेलेंट ऑफ शेल्स इन सीरीज। तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे शेल सीरीज में है तो उनकी EMF इक्विवेलेंट, उनके सभी की EMF के सम के क्या होगी, इक्वल, और इंटरनल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या कहें हम, द फर्स्ट पॉइंट क्या मिला हमें यहाँ से, द इक्विवेलेंट ईएमएफ, द ई इक्विवेलेंट ऑफ शेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ शेल्स is equal to the sum of their individual EMF, their individuals EMFs, that is E equivalent in series is equals to E1 प्लस ई टू प्लस ई थ्री अप टू ई एन। और अगर सारे शेल्स क्या हो जाएं, इक्वल, इफ ऑल शेल्स हैव इक्वल ईएमएफ देन ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई अप टू एन टाइम्स। तो ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारा बेटा, एन इंटू ई। क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट, एन इंटू ई। सिमिलरली अगर हम बात किसकी करें, आर इक्विवेलेंट की, इंटरनल रेजिस्टेंस द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो बेटा सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट ऐड होते हैं। क्या आ जाएगा इंटरनल आर सीरीज के लिए, इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अप टू आर एन। हमें सबको पता था सीरीज के लिए, और अगर सारे इक्वल हैं तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट एन इंटू में आर। अगर सारे क्या हैं, इक्वल, तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट एन इंटू में आर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। ये कहता सपोज करो, इस केस में तो क्या था हमारा कि फर्स्ट सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सेकंड के पॉजिटिव में गया था और सेकंड का नेगेटिव किस में जाता है, थर्ड के पॉजिटिव में। लेकिन ये कहता है, स्टार्क लगाया हमने कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वही सीरीज कॉम्बिनेशन लिया हमने, सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड
क्या कहा था हमने, फर्स्ट का नेगेटिव टर्मिनल किस पे गया था, सेकंड के पॉजिटिव में. इफ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट शेल इज कनेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड शेल, अगर फर्स्ट का नेगेटिव सेकंड के नेगेटिव से कनेक्ट होता है लाइक दिस. देखो बेटा कैसे, फर्स्ट का नेगेटिव सेकंड के भी किससे कनेक्ट हो, नेगेटिव से कनेक्ट हो. अब हम इसका क्या निकालेंगे, इस कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट और ई इक्विवेलेंट निकालेंगे. ईएमएफ ऑफ फर्स्ट शेल ई वन इंटरलेसेंस आर वन, ईएमएफ ई टू इंटरलेसेंस आर टू. ये कहता है हमारा करंट फ्लो, ये पर इलेक्ट्रोकल पॉइंट कंसिडर किया हमने ए बी और क्या ले लिया हमने सी. क्लियर बेटा, करंट कितना फ्लो कर रहा है फिर से हमारा आई, कितना करंट फ्लो कर रहा है हमारा आई. तो कहता है सबसे पहले हम क्या करें, वही क्वेश्चन उसकी वी इज बस थ्री माइनस आई आर, वी ऑफ ए बी, वी ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, वी ए माइनस वी बी. वी ऑफ ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी. क्या होता है वी हमारा, ई माइनस आई आर. तो फर्स्ट का ई एम एफ कितना है ई वन माइनस करंट आई, रेजिस्टेंस कितना है आर वन, रेजिस्टेंस कितना है हमारा आर वन. नाउ फॉर सेकेंड शेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बी सी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा बी सी, कितना होगा बेटा हमारा वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू. देखो एक बार करंट इसके अपोजिट आ रहा है, हम किस में जा रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, करंट हमारा नेगेटिव से आउटसाइड आ रहा है. हम क्या लेंगे इसके लिए, माइनस ऑफ ई टू, क्या लेंगे हम माइनस ऑफ ई टू. क्या लिया हमने, माइनस ऑफ ई टू माइनस आई इंटू में आर टू, माइनस आई इंटू में आर टू. ठीक है, हम दोनों इक्वेशनों को फिर से क्या करवाएं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करवाया वी बी से वी बी कैंसिल, क्या बचा हमारा वी ए माइनस वी सी इज इक्वल्स टू ई वन माइनस ऑफ ई टू. बेटा पॉजिटिव शेल से करंट आउटसाइड है, हम एक्चुअली एंट्री करंट की सेल के अंदर लेते हैं. अगर नेगेटिव में एंट्री है शेल में तो ई एम एफ होता है नेगेटिव, नेगेटिव में एंट्री है तो ई एम एफ होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में एंट्री है तो ई एम एफ कैसा होता है नेगेटिव. अगर हमारा करंट आई नेगेटिव में एंटर करता है देन ई एम एफ इज पॉजिटिव, और अगर हमारा करंट पॉजिटिव में एंट्री करता है देन ई एम एफ हमारी कैसी होती है नेगेटिव. तो यहाँ पे कैसा था, पॉजिटिव नेगेटिव में एंट्री, ई एम एफ पॉजिटिव, पॉजिटिव में एंट्री करंट की, ई एम एफ कैसी होगी हमारे पास नेगेटिव. तो क्या है हमारे पास ई वन माइनस ई टू माइनस आई बाहर कॉमन आर वन प्लस आर टू. वी ऑफ एस सी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल्स टू ई वन माइनस ई टू माइनस आई इंटू में आर वन प्लस आर टू. तो क्या कहें हम कि जब एक इलेक्ट्रोड दूसरे के नेगेटिव में, एक नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव में कनेक्ट है देन अगर हमारा ये अरेंजमेंट है नेगेटिव नेगेटिव में देन ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ई वन माइनस ई टू एंड इंटरलेसेंस आर इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू. ये क्या बन गया हमारे पास इक्विवेलेंट, ये क्या बन गया आर इक्विवेलेंट. तो हम क्या कहें कि शेल्स इक्विवेलेंट डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोड्स के कॉम्बिनेशन पे, लेकिन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट डिपेंड नहीं करता. जब तक सीरीज रहेगी आर इक्विवेलेंट क्या होगा आपका आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन. और जैसे ही हम ईएमएफ की बात करें, जब एक टर्मिनल का पॉजिटिव दूसरे, एक शेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव में जाता है तो ईएमएफ क्या होगी दोनों के सम के इक्वल ई वन प्लस ई टू. और जब हमारा एक शेल का नेगेटिव दूसरे के टर्मिनल नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल में क्या होता है कनेक्ट होता है तो हमारी ईएमएफ कितनी रहेगी,
E1 माइनस ऑफ E2, ये हमने किसके लिए ले लिए, शेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना शेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।